डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। बी ए हिस्ट्री फाइनल ईयर की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट यूनिट में आप स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपने सिंधु घाटी का इतिहास और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किया था। और आज हम यहाँ पर इसकी सेकेंड यूनिट लेकर चलेंगे। सेकेंड यूनिट में हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मौर्यन पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट, यानी यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित जो हमारी कला है और वास्तुकला है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मौर्य जो काल था वो अगर देखा जाए, मौर्य काल हमारा जो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर और यहाँ पर 185 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो भारत में यहाँ पर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। और इस काल के अगर जो हम मेन व्यक्तित्व की मेन पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें अशोक और बिंदुसार, कौटिल्य या चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल, मेघास्तनीद और विशाखादत्त, ये मेन पर्सनालिटी थी जो मौर्य काल से संबंध यहाँ पर रखती थी। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा गुप्त काल, इसकी भी हम यहाँ पर कला और वास्तुकला का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो गुप्त काल का अगर पीरियड देखें हम, तो गुप्त काल का पीरियड जो होता था वो 319 ईस्वी से स्टार्ट होकर यहाँ पर 540 ईस्वी तक का जो यहाँ पर पीरियड है वो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल जो है वो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहलाता था, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था ये काल यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा पोस्ट गुप्ता टेम्पल, यानी गुप्त काल के बाद का जो टाइम है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर उसकी भी हम आर्किटेक्चर पेंटिंग वगैरह के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, नहीं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मौर्य काल कला एवं वस्तु इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी कला और वस्तु कौन कौन सी संरचनाएं बनी जाती थी। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा कि किन स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ। मौर्य जो काल है, मौर्य काल, उसमें अशोक का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है इस काल में। तो वहाँ पर ये पूछा गया कि किन स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, सांची, अमरावती, सारनाथ, धर्मराज का स्तूप, नागार जुन कोंडा का स्तूप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्तूप है सांची का, उसका भी निर्माण हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड अमरावती का, उसका निर्माण नहीं हुआ था। और जो थर्ड यहाँ पर है सारनाथ, वो भी अशोक के समय में ही हुआ था। और जो यहाँ पर फोर्थ है धर्मराज का स्तूप, उसका भी यहाँ पर निर्माण हुआ था। और जो नागार जुन कोंडा का स्तूप था उसका निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो यहाँ पर पॉइंट सही बनते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न दो, अपने स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवंतिका, काशी, सारनाथ, ग्वालियर। जो सारनाथ का जो स्तंभ है वो बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। प्रश्न तीन, सारनाथ के स्तंभ की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, इसके शीर्ष भाग पर चार सिंह पीठ पीछे किए हुए बैठे हैं, ये भी बात सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था जिसमें मूलतः 32 तिलियां थी, ये भी बात सही यहाँ पर है। थर्ड यहाँ पर है, सिंहों के नीचे की फलका पर चारों दिशाओं में चार चक्र बने हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, फलक पर चार पशुओं गज, अशु, बैल तथा सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है यहाँ पर, यानी गज एलिफेंट है, अशु यहाँ पर हॉर्स और बैल और सिंह लॉयंस वगैरह के यहाँ पर आकृति यहाँ पर उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट यहाँ पर सही पाए गए, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न चार, मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया गया है, दरबारी और लोक कला। इनमें से किस किस को लोक कला में शामिल किया गया है। तो हमें लोक कला में कौन कौन शामिल किया गया उनको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्तूप, ये लोक कला में नहीं आता था, ये लोक कला में नहीं है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखेंगे स्तंभ, ये भी लोक कला में नहीं आएगा। उसके बाद बैसनगर की यक्षी, ये लोक कला में यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, गुहा विहार, ये भी यहाँ पर लोक कला में नहीं आएगा। और फिफ्थ नंबर यहाँ प्रतिमाएँ, ये यहाँ पर लोकला में आएंगी। और सात, छः, सिक्स नंबर पर यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ, ये भी लोकला में यहाँ पर आएंगी, यानी दरबार में नहीं आएंगी, राजा महाराज से संबंधित नहीं होंगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये पॉइंट सही है और यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न पाँच, मौर्यकालीन मूर्ति कला के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कितने कथन दिए गए। फर्स्ट यहाँ पर दिया, मूर्तियाँ बल्लुए पत्थर से बनी है तथा उन पर पॉलिश की गई है, ये बात तो सही थी यहाँ पर, यह बात सही थी। उसके बाद दूसरा, इस काल की प्रसिद्ध मूर्ति चामक ग्रहणी यक्षी की है, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए सी, यह मूर्ति गर्दनी बाघ से प्राप्त हुई, ये बात सही नहीं है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। फोर्थ यहाँ पर है, संभवतः मौर्य राज प्रासाद में सज्जा के लिए इस मूर्ति का प्रयोग किया है, तमहल में इसका प्रयोग किया जाता था, ये भी यहाँ पर बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो गलत है, यहाँ पर है, बात सही नहीं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
प्रश्न 6, मौर्य काल में अनेक जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, एक मूर्ति जो कायोत सर्ग मुद्रा में है कहाँ प्राप्त हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है लोहानीपुर, कोमराहार, दीदारगंज और वैष्णगर। तो ये यहाँ पर लोहानीपुर में प्राप्त हुई, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 7, गांधार कला का प्रमुख केंद्र नहीं है, ये बताना है। गांधार कला का प्रमुख केंद्र नहीं है ये बताना हमें। देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, पेशावर ये तो है, गांधार कला का केंद्र था, स्वात घाटी भी था, बामियान भी था, लेकिन काबुल यहाँ पर गांधार कला का मुख्य केंद्र नहीं था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8, किस सम्राट के काल में गांधार कला का तेजी से विकास हुआ? देखिए यहाँ पर कनिष्क, कुषाण, समुद्रगुप्त और अशोक। कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कनिष्क ही है, कि इनके समय में गांधार कला का तेजी से विकास होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। प्रश्न 9, भरूत में एक बड़े स्तूप के अवशेष किसने खोजे? तो भरूत में जो बड़े जो स्तूप के जो अवशेष खोजे थे वो कनिंघम ने खोजे थे, यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनिंघम। प्रश्न 10, लाल रंग के पत्थर की मूर्तियाँ किस कला में बनाई गई हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ये ज़्यादातर मथुरा कला में बनाई गई थी, लाल रंग की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मथुरा कला। प्रश्न 11, मेघास्तनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की संरचना थी? तो मेघास्तनीज ने देखिए क्या कहा था, इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र की संरचना के बारे में इनका क्या विचार था, इन्होंने क्या लिखा था वो यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। उन्होंने कहा कि गंगा और सोन नदियाँ, अगर एक गंगा है और एक सोन नदी है, तो इनका जो संगम होगा, मिलन होगा, यहाँ पर ये स्थित थी, ये बात भी यहाँ पर सही पॉइंट है। उसके बाद दूसरा, इन्होंने कहा कि नगर का निर्माण समानांतर चतुर्भुजाकार रूप में दिया गया था, यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इस तरह से होते हैं, यानी इस रूप में दिया गया था, ये बात भी इनकी सही है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कहा था, नगर के चारों ओर पत्थर की प्राचीर बनी थी, यानी दीवार बनी थी पत्थर की, तो ऐसा नहीं था, ये यहाँ पर पॉइंट सही नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे, 64 दरवाजे थे नगर में आने जाने के लिए, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट निकल कर आता है, नगर का क्षेत्रफल 25.50 वर्ग किलोमीटर था, ये बात भी यहाँ पर सही निकल कर आती है। देखिए कौन कौन से पॉइंट हमारे सही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सही निकल कर पॉइंट आते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 12, सन 1912 से 14 ईस्वी में डी पी स्पूनर को राजप्रसाद के कुछ स्तंभ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे, महल के स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इन्होंने जो खोज की थी, इनकी बुलंदी बाग और कुमराहार से ये प्राप्त हुए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13, कौन राज प्रसाद को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि इसे देव दूतों द्वारा निर्मित बताया? तो ये फाहियान थे, जो चीन के यात्री थे यहाँ पर, तो इन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाहियान। प्रश्न 14, ईरानी स्तंभों और मौर्य स्तंभों में स्पष्ट भेद परिलक्षित होता है, दोनों में कौन सा अंतर नहीं पाया जाता है? कुछ अंतर तो यहाँ पर पाए जाते हैं और कुछ नहीं, तो दोनों में कौन सा अंतर नहीं पाया था वो बताना है। जैसे ईरान, फर्स्ट यहाँ पर है, ईरानी और मौर्य स्तंभों के शीर्षों के अलंकरण में भी पर्याप्त अंतर है, ये बात भी यहाँ पर सही है, यानी ये अंतर होता है। दूसरा है, मौर्य स्तंभों के शीर्ष भाग पर पूर्ण गठ है, जबकि ईरानी स्तंभों के शीर्ष भाग पर शंख आकार का चिन्ह है, ये अंतर है यहाँ पर जो नहीं पाया था। दूसरा, तीसरा यहाँ पर, ईरानी स्तंभ नालेदार है जबकि भारतीय स्पोट है। डी यहाँ पर है, ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों से निर्मित है जबकि अशोक स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है। तो जो अंतर यहाँ पर नहीं मिलता वो यहाँ पर बी वाला है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ये अंतर नहीं है, बाकी सभी अंतर मौजूद है। इसके बाद हम यहाँ पर गुप्तकाल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तकाल कला एवं वास्तुकला। आप जानते हैं कि गुप्तकाल का जो समय था वो 319 ईस्वी से 319 एसी से और 540 एसी तक, 540 ईस्वी यहाँ पर रहा था। और इस काल के जो मेन पर्सनालिटी थी, मेन इसके व्यक्ति थे, उसमें आर्यभट्ट है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कालिदास, फाहियान, धन्वंतरी, ये सब इसकी मेन पर्सनालिटी रही थी। और ये काल जो है बड़ा ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जाना गया है। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15, वैदिक धर्म के विकास का काल था? तो देखिए यहाँ पर जितने भी काल दिए गए हैं, जो वैदिक गुप्त काल है उसमें ही वैदिक धर्म का बड़ा अच्छा विकास होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। प्रश्न 16, भूमरा का शिव मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर हम जानते हैं कि ये नागौर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागौर। प्रश्न 17, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 18, भीतर गांव का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर के समीप या पुणे के समीप या महाराष्ट्र के समीप या चेन्नई के समीप। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कानपुर के समीप। प्रश्न 19, अजंता गुफा की चित्रकारी का प्रमुख विषय क्या है?
यहाँ पर ऑप्शन देखिए जातक कथा है, पंचतंत्र, महाभारत या रामायण, तो इनका जो विषय था वो जातक कथा थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जातक कथाएं। प्रश्न 20, निस्क क्या था, मूर्ति, मंदिर, वस्त्र या मुद्रा, तो ये एक तरह से करेंसी थी, मुद्रा थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुद्रा। प्रश्न 21, किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं चलाई थी, यानी चांदी की करेंसी चलाई थी, तो यहाँ पर ये जो काम किया था, जो ऑप्शन दिए गए कुमार गुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने ये काम किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न 22, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये तो दिल्ली में है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में। प्रश्न 23, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी करती है, तो ये जो करती थी कालिदास की करती थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न 24, गुप्त नरेश किस धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव, शाक, शैव या प्रोक्त सभी, तो जो गुप्त नरेश थे वो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैष्णव। प्रश्न 25, पूर्व गुप्त किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध, महायान, वैदिक या जैन, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध। प्रश्न 26, परम भागवत कहलाया, अशोक, समुद्र सम्राट चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या सभी, तो यहाँ पर जो सम्राट चंद्रगुप्त थे वो परम भागवत कहलाते थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सम्राट चंद्रगुप्त। प्रश्न 27, भारतीय इतिहास में किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा अशोक, तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है वो काल यहाँ पर स्वर्ण युग कहलाता है, जो गुप्त काल भी है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 28, कालिदास किसके समकालीन थे, यानी किस राजा के आसपास थे, तो यहाँ पर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास रहते थे उनके दरबार में, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न 29, फाहियान किसके काल में भारत आया था, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या कनिष्क, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 30, गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी, प्राकृतिक, अभ्रंश, संस्कृत या पाली, तो गुप्त सम्राटों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। प्रश्न 31, दशमलव प्रणाली के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे, ब्राह्मीर, भास्करदित्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, तो आर्यभट्ट ने ये काम किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। प्रश्न 32, आर्यभट्ट था वैज्ञानिक, शिल्पकार, कवि या साहित्यकार, तो एक वैज्ञानिक थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक। प्रश्न 33, शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने, सीवी रमन ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कर प्रथम ने, तो ये जो आविष्कार किया था शून्य का ये आर्यभट्ट ने किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। प्रश्न 34, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत या वराहमिहिर, तो वराहमिहिर ने ये काम किया था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वराहमिहिर। प्रश्न 35, नीतिसार का लेखक कौन था, विष्णु शर्मा, दंडी, कामंदक या कालिदास, तो नीतिसार का जो लेखक था वो कामंदक था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी कामंदक। प्रश्न 36, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बात सबसे पहले किसने बताया, यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अगर ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये मून होता है तो यहाँ पर रोटेशन करता है, घूमता है, तो ये सबसे पहले यहाँ पर किसने बताया था, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। प्रश्न 37, गुप्त काल में जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था, इसका अध्यक्ष था, यानी इसका कौन अध्यक्ष था, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए नागार्जुन, कृष्ण, बजनंदी या वसुदेव, तो यहाँ पर जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। प्रश्न 38, आर्य शैली का उदाहरण है खजुराहो के मंदिर, ग्वालियर के मंदिर, सूर्य मंदिर या सभी, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर है वो आर्य शैली का उदाहरण रखते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खजुराहो के मंदिर। प्रश्न 39, द्रविड़ शैली का उदाहरण है एलोरा के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एलोरा के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एलोरा के मंदिर। प्रश्न 40, एलोरा में हिंदू शैली के मंदिर हैं, यानी उनकी कितनी तादाद है, कितनी संख्या है, 16, 17, 18 या 19, तो यहाँ पर ये मंदिर जो है 16 बताए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 16। प्रश्न 41, आबू स्थित है, ऑप्शन राजस्थान में, गुजरात में, चेन्नई में या उत्तर प्रदेश में, तो आबू जो स्थित है वो राजस्थान में, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रश्न 42, चोर कला के लिए प्रसिद्ध है तंजोर, आबू, खजुराहो या गोपुरम, तो यहाँ पर तंजोर जो है वो चोर कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तंजोर। प्रश्न 43, इटकी नामक स्थल पर बना है महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, कृष्ण मंदिर या हनुमान मंदिर, तो ये महादेव मंदिर बना है इस स्थान पर, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेव मंदिर। प्रश्न 44, नागर शैली का वास्तविक रूप मिलता है केरल में, उड़ीसा में, मद्रास में या राजस्थान में, तो इस शैली के जो मंदिर है ज़्यादातर वो उड़ीसा में बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। प्रश्न 45, उदयगिरी पर शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी, वीरसेन, पृथ्वी
सेन, विष्णुवर्मन या चंद्रमुख। तो ये वीरसेन ने यहाँ पर स्थापना की थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीरसेन। प्रश्न 46, सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सारनाथ स्तंभ लेख में, मंदसौर शिलालेख में, अवंतिका लेख में या पाटलिपुत्र अभिलेख में। तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है सूर्य पूजा का उल्लेख, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंदसौर शिलालेख में। प्रश्न 47, गुप्तकालीन बौद्ध विद्वान नहीं है, यानी सभी यहाँ पर बौद्ध विद्वान दिए गए, एक जो है वो बौद्ध विद्वान नहीं, तो हमें उसको छाटना है। देखिए वसुबंध ये भी बौद्ध विद्वान है, आसंग भी, कुमार जी भी और कौटिल्य, कौटिल्य यहाँ पर बौद्ध विद्वान नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कौटिल्य, चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न 48, गुप्त काल में बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र था, नालंदा, तक्षशिला, अवंतिका या सारनाथ। तो गुप्त काल में जो बौद्ध दर्शन का मेन जो केंद्र था वो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय भी था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नालंदा। प्रश्न 49, उदयगिरी की गुफा में किसकी विशाल मूर्ति है, राम की, कृष्ण की, भगवान विष्णु की या भगवान शिव की। तो यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 50, किस पुराण में गुप्त वंश की कोई सूचना नहीं है, वायु पुराण इसमें गुप्त वंश की सूचना है, ब्रह्मांड पुराण में भी दी गई है, युग पुराण में नहीं है, विष्णु पुराण में भी है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी युग पुराण। प्रश्न 51, गुप्तकाल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, मरुकच्छ, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति या सोपारा। तो यहाँ पर जो बंदर का था प्रमुख गुप्तकाल का वो ताम्रलिप्ति था, इसलिए यहाँ पर प्रश्न 52 लेकर चलते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर होगा, भभूति, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र जो लिखी थी वो विष्णु शर्मा ने यहाँ पर लिखी थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। प्रश्न 53, फहयान का मूल नाम क्या था, कुंड, कुंडल, क्यूभिचु या पूछी। यहाँ पर जो मूल नाम था फहयान का वो कुंड था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुंड। प्रश्न 54, फहयान द्वारा लिखी रचना कौन सी है, तो इन्होंने फो क्यूची नाम से रचना जो है इनकी जानी जाती है लिखी थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फो क्यूची। प्रश्न 55, इष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक कौन थे, चरक, दंडी, बाणभट्ट या शूद्रक। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी बाणभट्ट। प्रश्न 56, नाट्यशास्त्र का लेखक कौन था, अश्वघोष, नागार्जुन, भरत मुनि या वसुमित्र। तो यह भरत मुनि ने रचना की थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। प्रश्न 57, गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रकांड विद्वान कौन था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चरक, नागार्जुन, धन्वंतरी या अश्वघोष। तो धन्वंतरी ही उस वक्त यहाँ पर एक डॉक्टर की तरह काम करते थे, तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। प्रश्न 58, नचना कूथर का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये पन्ना जनपद में है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पन्ना। प्रश्न 59, सतरथ का अन्य नाम क्या है, सतरथ को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो जो सतरथ है वो यहाँ पर सात पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सात पैगोड़ा। और इस यूनिट का अंतिम प्रश्न जो स्टूडेंट आपके लिए होता है, जिसका उत्तर आपको देना होता है, वो प्रश्न 60 देख लीजिए, 64 योगिनी मंदिर है, ऑप्शन दिए हैं खजुराहो में, मुंबई में, एलोरा में या मद्रास में, इसका आपको उत्तर देना है। और डियर स्टूडेंट आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।